यूपी समेत देशभर के कई शहरों में आयकर विभाग की छापेमारी। यूपी के कानपुर, कन्नौज, नोएडा, अंबेडकर नगर और हाथरस में आयकर विभाग का एक्शन। कन्नौज में सपा एमएलसी पुष्पराज उर्फ पंपी जैन के आवास और फैक्ट्री पर एक साथ छापेमारी। सुबह करीब 8 बजे की गई रेड, घर फैक्ट्री पर अलग अलग टीम ने मारा छापा। अखिलेश यादव के करीबी सपा एमएलसी पुष्पराज जैन के घर पर छापा पड़ा है। पुष्पराज ने ही 9 जून को समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। कन्नौज में 2 इत्र कारोबारियों पर आयकर विभाग का छापा। सपा एमएलसी पुष्पराज जैन के अलावा बड़े इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के ठिकानों पर भी छापेमारी। सपा एमएलसी पुष्पराज जैन के कन्नौज, मुंबई के ठिकानों पर पड़ा छापा। आयकर विभाग ने मुंबई स्थित ऑफिस और घर पर भी छापा मारा। अंबेडकर नगर में गुटखा कारोबारी के घर और ठिकानों पर भी जीएसटी का छापा। लखनऊ सीआई टीम ने टैक्स चोरी की आशंका में देर रात मारा छापा। सपा के पूर्व मंत्री का बेहद करीबी है गुटखा कारोबारी हासिल नसीब। आयकर विभाग की रेड पर सपा ने ट्वीट कर साधा निशाना। कहा, पीयूष जैन के भाजपाई साबित होने के बाद सपा के पम्मी जैन पर मारा छापा। भाजपा ने अपनी बौखलाहट और खिसियाहट को दर्शाया, जनता देगी करारा जवाब। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने छापेमारी को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। कहा, ये छापेमारी हार के डर से बौखलाहट में की गई है। जिस तरह से समाजवादी की रैली में जनसैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, हर वर्ग की, हर धर्म की जनता रोड पे आ गई है। उस समाजवादी के समर्थन में वो यहाँ बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये भीड़ देख के घबरा गई है, परेशान हो गई है, बदहवास हो गई है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे हथकंडे अपनाना चाहती है। अब वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विदाई का मन बना लिया है। 2016 में इटावा फरुखाबाद में सपा एमएलसी चुने गए थे पुष्पराज जैन। इनका इत्र कारोबार 12 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। मार्च 2022 में उनका एमएलसी कार्यकाल भी खत्म हो रहा है।